Hello and welcome to you all in Govit Train. So guys, today we are going to know about the how abstraction works. So for this we have to get a basic knowledge about the abstraction and why use abstraction. So go and watch that previous videos. So starting with the today's topic, how abstraction works. So abstraction. आपको बताया था लास्ट वीडियो में मैंने कि एब्स्ट्रैक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस क्लास में होता है. मीन्स वी परफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन इन द बेस क्लास एंड जब हम उस क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी न्यू क्लास में, इट मीन्स दैट कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर होता है वो हमारे चाइल्ड क्लास में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को अभी तक कि एब्स्ट्रैक्शन हमारा बेस क्लास में होता है. सो बता दूँ आपको मैं पहले स्टार्टिंग में कि पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफ़ॉल्टली पाइथन नहीं प्रोवाइड करता आपको. मीन्स पाइथन में ऐसा कोई क्लास नहीं है जो आपको अपने आप से ही डिफ़ॉल्टली, मीन्स कोई ऐसा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, कुछ ऐसा बिल्ट इन डिफाइन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, ठीक है. लेकिन पाइथन आपको हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है. लाइक अगर आप गेमिंग के लिए करना है तो गेमिंग के लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं. ग्राफिकल प्रोग्राम्स, ग्राफिकल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपके पास GUI बेस के लिए पर्टिकुलर लाइब्रेरीज होती हैं. इन द सेम वे देर आर सम मोर डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे पाइथन में आपके लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए एक अलग तरह की लाइब्रेरी होती है जैसे हम कहते हैं ABC. ABC दैट इज़ फुल फॉर्म इज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है. सो ये क्या करता है ABC जो क्लास है, जो ये मॉड्यूल है, ये क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए. अब ये कैसे डिफाइन होता है ये भी देखेंगे आगे, तो ज़रूर ध्यान से देखना और समझना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में. सो पाइथन जस्ट कम अप विद द मॉड्यूल्स व्हिच प्रोवाइड्स द बेस फॉर डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास. सो जैसा मैंने अभी कहा कि पाइथन के पास सिर्फ मॉड्यूल्स होते हैं आपके यूज़ के लिए, वो कोई एग्जैक्टली आपको बेस क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कुछ आपको डिफाइन नहीं करता है, ठीक है. कुछ ऐसा डिफॉल्टली ऐसा कुछ यूज़र डिफाइन या कुछ ऐसा बिल्ट इन डिफाइन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. सो पाइथन में एक मॉड्यूल है नेम्ड ABC. उस मॉड्यूल के ज़रिए आप यहाँ पे अपने किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, ठीक है. एक चीज़ और बता दूँ कि किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको उसके स्टार्टिंग में जो सबसे लास्ट में लाइन लिखी है ये वाली लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है, फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मैथ. उसके बाद आप क्लास डिक्लेयर करोगे एंड यू विल राइट द एब्स्ट्रैक्ट देयर. सो वी विल डू दैट इन अ प्रैक्टिकल वीडियो, सो डोंट पैनिक. जो ये इसके बाद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो नहीं है बिकॉज इस बार हम एग्जाम्पल डायरेक्टली प्रैक्टिकली वीडियो में करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज़ देखना ज़रूर उसको, ठीक है. सो अभी यहाँ पे क्या करूँगी, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ABC works by declaring decorating methods by the base class as abstract and then register concrete class implementation of abstract class as implementations. Okay, so ABC क्या करता है यहाँ पे, वो declare करता है abstract class को कैसे, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले हमें ABC मॉड्यूल का इंपोर्ट करना ज़रूरी है. विदाउट इंपोर्टिंग हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट नहीं कर सकते. मीन्स जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसको लिखे हुए बिना हम अपनी किसी भी क्लास मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकते. तो बेसिकली ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हो, एब्स्ट्रैक्शन करना चाहते हो तो, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करता है, एक बार जब आपका वहाँ पे मेथड डिक्लेयर हो जाता है एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर वो उसको कॉन्क्रीट क्लास में रजिस्टर करता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, ठीक है. अब मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे कि मेथड कैन बिकेम एन एब्स्ट्रैक्ट व्हेन डेकोरेटेड विद अ कीवर्ड. एक मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बनता है, जब उसमें हम ये वाला कीवर्ड लगाते हैं, फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मैथ. एंड याद रखना कि जो ABC कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में ही रहेगा बिकॉज ये मॉड्यूल इसी नाम से कॉल होता है, ठीक है. इसको कभी स्मॉल में मत करना. जो ABC लिखा है स्मॉल में, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कैपिटल ABC है उस पर से हम स्मॉल ABC वाले मेथड को यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मैथ को बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे. हमने लिखा है फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC, फ्रॉम स्मॉल ABC लिखा है, यानी कि हम कैपिटल ABC से स्मॉल ABC को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं. सो बेसिकली ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वर्क. अगर आपको ये चीज़ और डिटेल में जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे डिटेल में वीडियो आपके लिए बन जाएगी.
ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया हो कंटेंट, कोई डाउट ना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, एंड कोई डाउट हो तो अगेन पूछ लेना। एंड फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोज, गेट कनेक्टेड विद द गोबी ट्रेंड एंड कीप लर्निंग पाइथन विद गोबी ट्रेंड एंड बी सेफ, बी एट होम एंड कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग लर्निंग पाइथन विद गोबी ट्रेंड। थैंक यू।